प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। 16 दिसंबर से खरमास की शुरुआत हो जाएगी और खरमास के शुरू होने के साथ ही किसी प्रकार के शुभ कार्य नहीं हो सकेंगे। इस दौरान शादियां भी नहीं होंगी। 16 दिसंबर से शुरू होकर खरमास 14 जनवरी को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद समाप्त हो जाएगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे और शुभ मांगलिक कार्य किए जा सकेंगे। खरमास में पितृ पिंडदान का खास महत्व है। मिथिला पंचांग के अनुसार 16 दिसंबर सुबह 6:35 पर सूर्य का धनु राशि में प्रवेश हो रहा है। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास यानी अशुद्ध मास का आरंभ हो जाएगा। खरमास में भगवान नारायण की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस महीने में विष्णु सहस्त्रनाम, पुरुष सूक्त, सत्यनारायण कथा, भागवत पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ, भास्कर को अर्घ्य और गरीब असहाय को अन्न वस्त्र का दान देने से और गौ सेवा करने से विशेष पुण्य फल मिलता है। खरमास के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्यों का आयोजन नहीं होता है। नए घर में गृह प्रवेश, नए वाहन की खरीद, संपत्तियों की खरीद बिक्री, मुंडन संस्कार जैसे अनेक शुभ कार्य वर्जित होते हैं। खरमास 14 जनवरी 2021 को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। दरअसल खरमास खत्म होने पर सूर्य गुरु की राशि धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो इससे गुरु का प्रभाव समाप्त हो जाता है। शुभ मांगलिक कार्यों के लिए गुरु का पूर्ण बल अवस्था में होना आवश्यक है। कहा जाता है कि इस दौरान सूर्य मलिन अवस्था में रहते हैं, इसलिए इस एक महीने के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।